चलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई चीज़ जिसमें है कार्चर की। अगर आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो K2 के बारे में है, कार्चर की। उसमें अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, ऑन ऑफ होने में स्टार्ट नहीं हो रही, प्रॉब्लम कर रही है स्टार्ट नहीं हो रही है, बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो तब भी नहीं हो रही है, तो भाई इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। मैं देखने जाता हूँ हेल्प होता क्या है हमारी सर्विस में, मतलब कुछ मशीन साफ होती है क्या होता है इसके अंदर? एक प्लग होता है ऑन ऑफ वाला, अच्छा, जिससे वो ऑटोमेटिक कट होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें पानी चला जाए ना अगर, तो मुझे लगा उसी में प्रॉब्लम हुई है ना, फिर वो दिक्कत करता है करने में। चलो देखते हैं आज ऑन ऑफ का स्विच कहाँ पे, कोई अगर घर पे कर ले तो कर भी सकते हैं। हाँ, आप है ना, भी कर सकते हो। इसमें कोई वारंटी वॉइड या कुछ होगा? नहीं होगा, ऐसे आपके पास आने से बेटर है घर पे खुद ही कर लो। क्या हाँ, चाहिए वो भी है और स्टार एल की चाहिए कौन? अच्छा, इसका ना स्विच नहीं वाला आता है, ये आना स्विच है। ये चीज होती है, ये देखो इसमें पानी है ना। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बस। वो क्यों? अच्छा अच्छा ये स्विच है। हाँ, तो वो इधर से होती है ना पास, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। मतलब कि जैसे मशीन आप ट्रिगर छोड़ते हो तो आपकी मशीन बंद हो जाती है ना, वो यहाँ से होती है। पोजीशन भी रखनी पड़ेगी नीचे वाले एंगल की। बॉडी सो भाई लोग, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरी वीडियो चैनल पे आपको नई नई वीडियोस मिलती हैं जिसमें कि बाइक गाड़ियों और हर एक चीज़ के मतलब रिलेटेड के जो डेली यूज़ में आपको हेल्प करेगा मिलेगा या कुछ आपको लर्न करने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।